नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर के बारे में। इससे पहले जो टॉपिक हमने डिस्कस किया था, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड डिस्कस किया था, और उससे पहले लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी को भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो दोनों ही जो बेसिक कंसेप्ट है यहाँ पर वो यूज होंगे। तो पहले जो हमने डिस्कस किया था लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, उसके अकॉर्डिंग जो हमारी एनर्जी एसोसिएटेड होती है ईच मॉलिक्यूल और पर डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ, वो हमारी कितनी थी, हाफ के बी टी थी। और इसी तरह से वाइब्रेशनल के लिए वो कितनी होती है, एवरेज जो काइनेटिक जो एवरेज एनर्जी जो एसोसिएटेड होती है हमारी किसी भी मॉलिक्यूल के साथ, वो हमारी के बी टी होती है। ये याद रखिएगा, ये वाइब्रेशन के केस में पूरी होती है, यानी कि इसे को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं वाइब्रेशन के केस में। और वैसे ये हाफ के बी टी होती है ट्रांसलेशन का, जो हमने केस लिया था एक्स वाई जेड जो भी हमने लिया था। तो अब यहाँ पे जो एवरेज एनर्जी है एसोसिएटेड वाइब्रेशनल केस के लिए वो केबीटी है। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं वाटर की, तो वाटर के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं हमारे, मान लीजिए कंटेनर है उसके अंदर आप वाटर लेते हैं, तो ये जो है आप लाइक ए सॉलिड ले सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर इतनी ज्यादा मूवमेंट नहीं होती, तो लाइक ए सॉलिड ले सकते हैं, उसकी तरह इसको मान सकते हैं। अब उसकी तरह अगर हम इसको माने तो जो ईच एटम है इसका, अब ये किस किस का बना होता है, एच दो एच एटम का और एक ऑक्सीजन एटम का, यानी कि दो हाइड्रोजन एटम और एक ऑक्सीजन एटम का, ये हमारा एक मॉलिक्यूल बना होता है पूरा। तो अब देखिए यहां पर जो एच टू ओ है, यहां पर हमारे तीन एटम आते हैं। अब जो हर एक एटम है वो फ्री टू वाइब्रेट है 3D के अंदर, यानी कि 3 डायमेंशन के अंदर, यानी कि ये भी 3D के अंदर वाइब्रेट कर सकता है, ये भी 3D के अंदर वाइब्रेट कर सकता है, ये भी 3D के अंदर वाइब्रेट कर सकता है। तो फ्री टू वाइब्रेट है ये, अगर हम इसको मान रहे हैं एज ए लाइक ए सॉलिड, जैसे कि हमने उसके एटम देखे थे कि फ्री टू वाइब्रेट है वो। अब ये जो है 3D के अंदर जो है, हमने मान लिया हर एक एटम फ्री टू वाइब्रेट है। अब यहाँ पर देखिए, अगर ये तो हमारी 1 डायमेंशन के लिए है केबीटी, अगर हम 1 डायमेंशन के अंदर ही मानते हैं कि वो वाइब्रेट हो रहा है कोई भी एटम, अगर 2 डायमेंशन में 2 KBT हो जाएगा और 3 डायमेंशन के लिए 3 KBT हो जाएगा। तो हमने क्या किया है, 3 डायमेंशन में ही लेना है। तो यहाँ पर ये अगर इसकी टोटल इंटरनल एनर्जी की बात करें तो 3 KBT जो है 3 डायमेंशन के लिए इसकी ये एनर्जी एसोसिएटेड आ जाएगी, इनटू कितने एटम हैं, 1, 2 और 3, 3 एटम है हमारे पास, तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और इनटू एवोगैड्रो नंबर आपको इससे मल्टीप्लाई करना ही है। तो इंटरनल एनर्जी जो है वो आप इस तरह से निकालेंगे, 3 KBT 3 डायमेंशन के लिए, और ये 3 जो है 3 एटम के लिए, एन ए एवोगैड्रो नंबर, ताकि टोटल इंटरनल एनर्जी हम निकाल सकें। अब ये हमारे पास आ गया, यानी कि ये कितना आ गया हमारे पास, ये आ गया 9, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे KBNAT आ गया। KBNA को आप क्या लिख सकते हैं, 9RT, क्योंकि KBNA जो है ये हमारा बराबर होता है यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट R के, तो R आप यहाँ पे लिख देंगे, 9RT हमारे पास आ गया। अब अगर हम मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर की बात करें तो उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या रहता है, तो उसका अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो वो हमारे पास बनता है C=∆Q/∆T, ये हमने पिछले लेक्चर में देखा था, या कहें कि सीधा DU/DT आप इसको लिख सकते हैं, जैसे 1 ग्राम मोल के लिए हमने पहले लिया था। तो 1 मोल ऑफ वाटर के लिए जो हम ले रहे हैं मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर ले रहे हैं, DU/DT ले रहे हैं। अब यहाँ पे DU जो है ये हमारा है 9RT, 9RT यानी कि आप यहाँ पर U की जगह इसको पुट कर देंगे 9RT को, ये पुट कर दिया, और D/DT 9RT, यानी कि जब आप इसको सोल्व करेंगे C आपका किसके बराबर आ जाएगा, 9R के बराबर आ जाएगा। R की वैल्यू हमें जो है जूल पर मोल केल्विन में पुट करनी है, यानी कि आप 9 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, जो R की वैल्यू है 8.31, और इसकी यूनिट क्या है हमारी, जूल पर मोल केल्विन, पर मोल केल्विन ये यूनिट है इसकी। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये लगभग आ जाएगा आपका 74.7 जूल पर मोल केल्विन, पर मोल केल्विन ये आ जाएगा, ये आंसर आ जाता है। तो ये तो हमने देखा कि ये जो है हमारा SI सिस्टम के लिए, यानी कि 8.31 जूल से आपने मल्टीप्लाई कर दिया। अगर कैलोरी के साथ आप करना चाहते हैं तो कैलोरी के लिए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा हमारा, वाटर की जो स्पेसिफिक हीट होती है वो हम लिख सकते हैं 1 कैलोरी, वो क्योंकि वो यूनिटी होती है, यूनिट स्पेसिफिक हीट होती है CGS सिस्टम में अगर हम बात करें, तो 1 कैलोरी पर ग्राम केल्विन ये आप लिख सकते हैं। अब 1 कैलोरी के अंदर कितने जूल होते हैं,
एक कैलोरी के अंदर लगभग जो है 4.184 जूल होते हैं। तो इसको आप इसके बराबर लिख सकते हैं, यानी कि एक कैलोरी को आप लिख दें 4.184 जूल के बराबर। तो यहाँ पर ये सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी ये 4.184 जूल और पर ग्राम केल्विन। तो इस तरह से आप उसको लिख सकते हैं। तो ये सी की वैल्यू है। ये हमने बात की सीजीएस के लिए, सीजीएस सिस्टम के लिए। सीजीएस सिस्टम में वाटर को आप डिफाइन करते हैं कि उसकी जो स्पेसिफिक हीट है वो यूनिट है कैलोरी के अंदर। कैलोरी को आपने जूल में कन्वर्ट किया और जूल को आपने यहां पर लिख दिया। अब एक मोल जो है वाटर का वो कितने ग्राम के बराबर है। अब देखिए इसके अंदर हाइड्रोजन का अगर हम मास देखें 1 है, इसका भी 1 है, और ऑक्सीजन में कितना होता है 16 होता है। तो इन तीनों को ऐड करें 16 + 1 + 1, तो ये हो जाता है हमारा 18 हो जाता है। तो यानी कि जो 1 मोल ऑफ वाटर जो है वो हमारा कितने के बराबर होगा, वो हमारा होगा 18 ग्राम के बराबर। तो यहाँ पर आप लिख देंगे कि वो 18 ग्राम के बराबर है। अब अगर आप जो है सी की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो सी के अंदर ये क्या आ जाएगा, यानी कि ये जो वैल्यू है हमारी आप 18 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 1 मोल ऑफ वाटर 18 ग्राम के बराबर है। और ये जो है हमारी सीजीएस सिस्टम में जो है यूनिट स्पेसिफिक हीट के बराबर होती है। तो यहाँ पर अगर आप 18 को यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे 4.184 से, तो जो स्पेसिफिक हीट है आपकी आ जाएगी लगभग जो है आपकी आ जाएगी 75.312 के बराबर, लगभग ये आ जाती है जूल पर मोल में और केल्विन में, इस तरह से। तो जूल पर मोल केल्विन में आप इसको निकाल सकते हैं। तो यहां पर हमने क्या किया, 18 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो जूल पर मोल केल्विन में आ जाएगी, क्योंकि यहां पर देखिए यहां भी ग्राम है यहां भी ग्राम है, तो ये सब जब हम कैलकुलेट करेंगे तो जूल पर मोल केल्विन आ जाएगी, क्योंकि 1 मोल की बात कर रहे हैं। तो 75.312 जूल पर मोल केल्विन आ जाती है। तो इस तरह से देखिए आप स्पेसिफिक हीट ऑफ कैपेसिटी, जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वाटर की, आसानी से निकाल सकते हैं। पहले आपने जूल पर मोल केल्विन में इस तरह से निकाली 74 लगभग ये आ गई, और लगभग यानी कि ये जो है आप देख सकते हैं लगभग सिमिलर सी आती है। तो यहां से आपने निकाल के देखा और यहां से आपने निकाल कर देखा, इस यानी कि ये फॉर्मूला आपने अलग लगाया, और ये 1 मोल ऑफ वाटर के लिए 18 ग्राम लेकर ये अलग आपने लगाया, तो लगभग बराबर सी आती है। यानी कि आप जो वैल्यू प्रेडिक्ट आपने की है ला ऑफ हीट पार्टीशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग, ये जो फॉर्मूला हमने यूज किया है वो लगभग जो है सेम ही आता है। तो ये थी हमारी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोज के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।